नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर। और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। एक डिफेंस न्यूज़ है जो मैं आपके साथ यहां पर आज डिस्कस करूंगा, जो कि आपके वेरियस रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल यहां पर होने वाली है। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये सेशन होगा, इसमें अभी लेटेस्ट में जो हमारे नए एयरफोर्स चीफ यहाँ पर बने हैं, उनका स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है कि भाई अगर हम लोग यहाँ पर बोलें तो इंडियन एयरफोर्स में जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स यहाँ पर होते हैं, है ना, उनका नंबर जो है वो कितना होना चाहिए, वो 42 यहाँ पर होना चाहिए। हमेशा से जो है वो ये बात यहाँ पर चलती रहती है कि भाई हमारे पास जितने स्क्वाड्रन्स यहाँ पर हैं उनका नंबर कम है, और अगर हम एयरफोर्स की एफिशिएंसी को मेंटेन यहाँ पर करना चाहते हैं तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स यहाँ पर होनी चाहिए वो 42 यहाँ पर होनी चाहिए। तो कई सालों से ये बात यहाँ पर चली आ रही है। तो अभी जो हमारे एयरफोर्स चीफ हैं उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि देखिए अगर आप 42 स्क्वाड्रन्स के बारे में बात करते हैं तो ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा। अगले से 10 से 15 साल में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 42 स्क्वाड्रन्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। हम कई सारी चीज़ें जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन कई सारे जो हमारे पुराने एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उनको हम डीकमीशन भी यहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो गैप है वो यहाँ पर बना रहेगा, और हम 42 स्क्वाड्रन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको अगले 10 से 15 साल तक यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर सामने आया है। और भी कई सारी बातें इन्होंने जो है वो यहाँ पर बोली हैं, तो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, और काफ़ी अच्छी तरीके से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपके रिटन एग्जामिनेशन से भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा कि जो यहाँ पर ये स्क्वाड्रन्स के बारे में बात हुई है, ये स्क्वाड्रन्स होते क्या हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखेंगे तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि एक हायरार्की है, मतलब कि सबसे नीचे लेवल पर ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक पैटर्न होता है। अच्छा, अगर हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना हुई थी वो 8 अक्टूबर को यहाँ पर हुई थी, जिसको हम इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, और 1932 जो है वो ईयर था जब इसकी स्थापना यहाँ पर करी गई थी। ठीक है, बाद में फिर उस टाइम पर ब्रिटिशर्स थे तो उनके कंट्रोल में चीजें थी, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला। अगर हम इंडियन एयरफोर्स के पहले चीफ के बारे में बात करेंगे तो उनका नाम था थॉमस एल्महर्स्ट, और अगर हम इंडियन चीफ के बारे में बात करेंगे तो उनका नाम था एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं स्टैटिक जीके की, जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के, तो जो सबसे नीचे लेवल पर होता है ना, कि मतलब जो हायरार्की में आपको सबसे बॉटम पर देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं सेक्शन, है ना। ये आपके इंटरव्यू में भी डायरेक्टली जो है वो पूछा जाता है कि भाई जो स्ट्रक्चर है इंडियन एयरफोर्स का वो क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो वो आप यहाँ पर बताइए। ठीक है, तो सबसे नीचे जो है वो आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, तो आप ये कह सकते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्ट्रक्चर में इंडियन एयरफोर्स के वो सेक्शन है, और इसको यहाँ पर लीड कौन करते हैं, ये करते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ठीक है, जैसे रैंक में अगर आप देखोगे तो सबसे छोटी रैंक जो होती है वो फ्लाइंग ऑफिसर होती है, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट होती है, फिर स्क्वाड्रन लीडर होती है, फिर विंग कमांडर होती है, फिर ग्रुप कैप्टन होती है, फिर एयर कोमोडोर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फिर एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड एयर चीफ मार्शल, और उसके बाद फिर मार्शल ऑफ द एयरफोर्स जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये रैंक स्ट्रक्चर होता है ऑफिसर्स का। तो इस सेक्शन को जो यहाँ पर लीड करने वाले ऑफिसर हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। और किसी भी सेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम यहाँ पर आपको एटलीस्ट जो है वो 3 एयरक्राफ्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो 3 एयरक्राफ्ट मिलकर जो है वो इंडियन एयरफोर्स का एक सेक्शन यहाँ पर बनता है, जिसको लीड करते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपको देखने को मिलेगा ये है आपका फ्लाइट्स। तो फ्लाइट्स बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो फ्लाइट जो होती है वो स्क्वाड्रन्स जो है उनका यहाँ पर सब डिवीजन होता है। जैसे पहले नंबर पर आपका यहाँ पर सेक्शन हो गया, दूसरे नंबर पर आपका फ्लाइट हो गया, तीसरे नंबर पर जो है वो आपको स्क्वाड्रन्स और यूनिट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो फ्लाइट्स होते हैं ना, वो जो स्क्वाड्रन्स होते हैं उन्हीं के सब यूनिट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, या फिर सब डिवीजन जो है वो स्क्वाड्रन्स के देखने को मिलते हैं, और इसको जो यहाँ पर कमांड करते हैं वो स्क्वाड्रन रैंक लीडर वाले जो रैंक के ऑफिसर होते हैं वो इसको यहाँ पर कमांड करते हैं। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दो सेक्शन को जब यहाँ पर मिला दिया जाता है, मतलब करीब आप ये कह सकते हैं कि 6 एयरक्राफ्ट्स को जब यहाँ पर मिला दिया जाता है तो एक फ्लाइट जो है वो यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई देती है। तो ईच फ्लाइट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, दो सेक्शन मिलकर जो है वो एक फ्लाइट आपको देखने को मिलती है। तीसरी बात अगर हम देखेंगे तो स्क्वाड्रन्स एंड यूनिट्स के बारे में बात हो रही है,
तो स्क्वाड्रंस जो है ये फील्ड यूनिट है एंड फॉर्मेशन अटैच टू द स्टैटिक लोकेशन, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी स्टैटिक लोकेशन है, जो भी आपके एयरफोर्स स्टेशन वगैरह यहाँ पर होते हैं, तो वहां पर आपको जो स्क्वाड्रंस होते हैं वो यहाँ पर अटैच देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी फ्लाइंग स्क्वाड्रन यहाँ पर होता है, और यूनिट इज अ सब यूनिट ऑफ एन एयरफोर्स स्टेशन विच कैरी आउट द प्राइमरी टास्क ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, मतलब कि एयरफोर्स स्टेशन में जो स्क्वाड्रंस हैं, जो भी इंडियन एयरफोर्स का प्राइमरी टास्क होता है, जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, उसको फुलफिल करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती है, वो स्क्वाड्रंस के पास आपको देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए कि हम बात करेंगे फाइटर स्क्वाड्रन की, जो फाइटर प्लेन्स वगैरह होते हैं उनका जो स्क्वाड्रन यहाँ पर होता है, उसमें आपको करीब 18 एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ऑल फाइटर स्क्वाड्रन्स आर हेडेड बाय अ कमांडिंग ऑफिसर विद अ रैंक ऑफ विंग कमांडर, मतलब कि जितने भी फाइटर स्क्वाड्रन होते हैं उसका जो कमांडर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो कौन होता है, वो यहाँ पर विंग कमांडर रैंक के जो ऑफिसर होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद सम ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन्स आर एंड हेलीकॉप्टर यूनिट्स आर हेडेड बाय अ कमांडिंग ऑफिसर विद द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन, मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो फाइटर स्क्वाड्रन होते हैं उसको जो हेड करते हैं वो करते हैं विंग कमांडर, लेकिन कुछ ट्रांसपोर्ट जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं या हेलीकॉप्टर वगैरह वाले भी जो स्क्वाड्रन्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, तो उसके जो कमांडिंग ऑफिसर यहाँ पर होते हैं उनको हम ग्रुप कैप्टन यहाँ पर कहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर क्या है कि भाई फ्लाइंग ऑफिसर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यहाँ पर हो गया सेक्शन का हेड, स्क्वाड्रन लीडर हो गया फ्लाइट के हेड, और जो यहाँ पर आपका फाइटर स्क्वाड्रन होता है इसके जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो विंग कमांडर आपको देखने को मिलेंगे, और जो ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन या हेलीकॉप्टर यूनिट्स होती हैं उनके जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो आपको ग्रुप कैप्टन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है ये बॉटम से मैंने ऊपर बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताया, सबसे नीचे सेक्शन हो गया, फिर फ्लाइट हो गया, फिर स्क्वाड्रंस एंड यूनिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर में आपको चीज देखने को मिलेगी इसको बोलते हैं स्टेशन। अब स्टेशन यहाँ पर क्या होता है कि विद इन ईच ऑपरेशनल कमांड आर एनी वेयर फ्रॉम 9 to 16 बेसिस और स्टेशन, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर ऑपरेशनल कमांड होती है, जैसे ऑपरेशनल कमांड के बारे में बात करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स की जो है वो कुछ ऑपरेशनल कमांड्स हैं, जैसे जिसको हम ऑपरेशनल कमांड भी बोलते हैं, और या आप ये कह सकते हैं कि जो भी प्राइमरी टास्क यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का होता है उन कमांड्स के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो हर एक कमांड के अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि 9 to 16 बेसिस या फिर जो स्टेशन होते हैं जिसको हम एयरफोर्स स्टेशन यहाँ पर कहते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्क्वाड्रन जो है वो किसके अंतर्गत होगा, वो स्टेशन के अंतर्गत होगा, और स्टेशन जो है वो किसके अंतर्गत होगी, वो आपको यहाँ पर जो कमांड होते हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्मॉलर देन विंग्स, मतलब इसके बाद वाला जो हायरार्की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो विंग्स का होता है, तो विंग्स से ये छोटे होते हैं बट सिमिलरली ऑर्गेनाइज, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो विंग्स के जैसा ही होता है। स्टेशन आर स्टैटिक यूनिट्स कमांडेड बाई अ ग्रुप कैप्टन। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एयरफोर्स स्टेशन होते हैं उसके जो यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, क्योंकि एक स्टैटिक यूनिट होती है एक जगह पर लोकेटेड यहाँ पर होती है, और यहीं से जो भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं, और इसके जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो आपको ग्रुप कैप्टन देखने को मिलेंगे। आ स्टेशन टिपिकली हैज वन विंग एंड वन और टू स्क्वाड्रन असाइन टू इट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई भी स्टेशन जो होता है उसका एक आपका विंग देखने को मिलेगा, और एक दो जो भी इसके स्क्वाड्रन होते हैं जो इसको असाइन किए जाते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, मतलब स्टेशन में स्क्वाड्रन जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर पांचवें नंबर पर जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इसको बोलते हैं विंग्स। तो विंग्स जो है ये आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके की फॉर्मेशन है, और ये कमांड और स्क्वाड्रन के बीच में है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्टेशन हो गया है ना, उसके बाद विंग्स के बाद जो है वो आपको कमांड देखने को मिलेगी, तो उनके बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह यहाँ पर ये काम करता है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो भी विंग्स होती है इसमें दो या तीन इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन्स होते हैं या फिर हेलीकॉप्टर यूनिट्स यहाँ पर हो सकती हैं, और साथ ही साथ फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट जिसको FBSU यहाँ पर कहा जाता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो FBSUs के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि डू नॉट हैव और होस्ट एनी स्क्वाड्रन और हेलीकॉप्टर यूनिट बट एक्ट एज अ ट्रांजिट एयरबेस फॉर रूटीन ऑपरेशन, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रांजिट एयरबेस है जो कि रूटीन ऑपरेशन जो यहाँ पर होते हैं उनको कैरी आउट करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, और इसमें कोई स्क्वाड्रन या हेलीकॉप्टर यूनिट्स वगैरह जो फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट होती है उसमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इन टाइम्स ऑफ वॉर दे कैन बिकम फुली फ्लेज एयर बेसिस, ठीक है, प्लेइंग होस्ट टू द वेरियस स्क्वाड्रन, मतलब जो विंग्स वगैरह यहाँ पर होते हैं वो क्या होता है कि जब भी कोई वॉर वगैरह का टाइम यहाँ पर होगा तो ये पूरी तरीके से एयरबेस का यहाँ पर काम करेंगे। अगर हम यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स में आज के टाइम पीरियड पर करीब आपको 47 विंग्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, और 19 फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिलकर जो है वो इंडियन एयरफोर्स बनाता है, मतलब कि इंडियन एयरफोर्स में 47 विंग्स हैं
और 19 फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट्स जो हैं ये पूरी की पूरी इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिफाइन करती हैं, ठीक है। तो ये विंग्स जो है ये पांचवें नंबर पर आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगला जो यहाँ पर हमारा सीक्वेंस देखने को मिलेगा इसमें होता है कमांड। तो आप ये कह सकते हैं कि भारतीय एयरफोर्स जो है वो पांच ऑपरेशनल कमांड है इसकी और दो फंक्शनल कमांड जो है ये आपको देखने को मिलेगा। अगर हम पांच ऑपरेशनल कमांड के बारे में बात करेंगे तो ये पांच ऑपरेशनल कमांड जहां पर एक से लेकर पांच तक मैंने ये नंबरिंग करी है ये पांच ऑपरेशनल कमांड है। एग्जामिनेशन में आपसे जो है वो मैच करने को पूछा जा सकता है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कमांड बताइए। तो सेंट्रल एयर कमांड जो है ये आपको इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ईस्टर्न एयर कमांड जो है वो शिलोंग मेघालय में देखने को मिलेगा। सदर्न एयर कमांड जो है ये तिरुवनंतपुरम केरला में देखने को मिलेगा। और उसके बाद साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो है ये आपको गांधीनगर गुजरात में देखने को मिलेगा और वेस्टर्न एयर कमांड जो है ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनकी दो फंक्शनल कमांड्स आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपका ट्रेनिंग कमांड हो गया जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है और एक आपको मेंटेनेंस कमांड देखने को मिलेगा जो कि आपको नागपुर महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अब जो भी कमांड यहाँ पर होती है उसके जो हेड होते हैं वो एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ और इनकी रैंक यहाँ पर आपको एयर मार्शल देखने को मिलेगी। याद रखिएगा एयर मार्शल जो है वो 3 स्टार आपको रैंक यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। जो एयर चीफ मार्शल होते हैं वो 4 स्टार रैंक होती है। जो भी इक्विवेलेंट यहाँ पर ऑफिसर होंगे आर्मी में नेवी में उनकी रैंक भी आपको इसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है। द पर्पस ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड, जो भी ऑपरेशनल कमांड आपको देखने को मिलेगा तो जो भी मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह होते हैं जिसमें एयरक्राफ्ट वगैरह का यहाँ पर यूज किया जाएगा और उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होती है वो ऑपरेशनल कमांड के द्वारा की जाती है। लेकिन अगर हम फंक्शनल कमांड के बारे में बात करेंगे तो फंक्शनल कमांड का जो यहाँ पर काम होता है वो ये होता है कि भाई जो भी कॉम्बैट रेडीनेस वगैरह चीजें होती हैं, है ना, कि जो लड़ाई की तैयारी वगैरह होती है या जो भी प्रिपरेशन यहाँ पर होती है वो सब फंक्शनल कमांड के द्वारा यहाँ पर करी जाती है। तो याद रखिएगा भारतीय एयरफोर्स में जो है वो 7 कमांड्स हैं जिसमें से 5 ऑपरेशनल हैं और 2 आपको फंक्शनल कमांड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कहाँ पर किसकी लोकेशन है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर जो ये आज का न्यूज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना ये पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है, ये स्क्वाड्रन से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई आज के टाइम पीरियड पर भारत में जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें लगभग 42 फाइटर स्क्वाड्रन जो है वो यहाँ पर होने चाहिए। मतलब लड़ाकू जो स्क्वाड्रन्स हैं, है ना, जिसमें फाइटर जेट्स आपको देखने को मिलेंगे उनकी रिक्वायरमेंट है 42। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे एयरफोर्स चीफ ने ये कहा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि अगले 10 से 15 साल में 42 फाइटर स्क्वाड्रन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम चीजों को इंडक्ट कर रहे हैं लेकिन कई सारी चीजें जो है वो फेस आउट भी हो रही हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम डीकमीशन वगैरह यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अगले 10 से 15 साल में 42 फाइटर स्क्वाड्रन यहाँ पर नहीं बन पाएंगे। लेकिन फिर भी हम किसी भी तरीके के फ्रंट को टैकल करने के लिए जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि इन्होंने अपना जो अभी स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है इसमें इन्होंने क्या क्या बात बोली है, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज देखें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी अभी ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है तो आप अगर कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह यहाँ पर देने जा रहे हैं तो आपसे डायरेक्टली जो है, ठीक है, वो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनका नाम क्या है, है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इनका नाम जो है ये है एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी। तो ये हमारे अभी नए एयर चीफ मार्शल जो है वो यहाँ पर बने हैं और इनका नाम क्या है, इनका नाम है वीआर चौधरी, मतलब कि विवेक राम चौधरी जो है वो इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा ये 27th चीफ हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको यहाँ पर पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर उन्होंने यही बात बोली और ये भी बोला है कि जो एंड द फोर्स विल रिमेन एट 35 स्क्वाड्रन, मतलब कि 42 फाइटर स्क्वाड्रन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा और जो हमारे पास अभी 35 स्क्वाड्रन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो चीजें ही हमारे पास अगले 10 से 15 साल तक यहाँ पर रहने वाली है क्योंकि फेसेस आउट जो होते हैं, जो चीजें यहाँ पर आउट हो रही हैं, है ना, जो इंडक्शन वगैरह हो रहे हैं तो वो सब चीजों की वजह से यहाँ पर 35 ही रह पाएंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है अगर आप इसके बारे में बात करोगे कि भाई अभी के टाइम पीरियड पर एयरफोर्स में जो है वो कितने स्क्वाड्रन हैं, तो 35 स्क्वाड्रन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो इन्होंने ये बात अपने स्टेटमेंट में यहाँ पर कही है। दूसरी बात, यहाँ पर एक एनुअल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर एयरफोर्स डे के पहले 8 अक्टूबर को जो है वो एयरफोर्स डे है तो उससे पहले एक एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो S-400 जो सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है उससे रिलेटेड यहाँ से जो है कुछ क्वेश्चन इनसे पूछा गया और उन्होंने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि भाई जो डिलीवरीज हैं, है ना, S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम की जो रशिया से हम यहाँ पर खरीद रहे हैं वो ट्रैक पर है, है ना,
लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इसको हम यहाँ पर अपने एयरफोर्स वगैरह में जो है वो यहाँ पर इंडक्ट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये बात भी बोली है कि सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम कुड नॉट बी रिप्लेसमेंट फॉर फाइटर जेट। मतलब यहाँ पर क्या है कि केवल हम ये नहीं सोच सकते कि हम सरफेस एयर डिफेंस यहाँ पर खरीद लेंगे, उनको इंडक्ट कर लेंगे, तो वो जो फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। क्योंकि सरफेस एयर डिफेंस जो होता है ये किसके लिए होता है, ये डिफेंस के लिए होता है। फाइटर जेट यहाँ पर क्या करेंगे भाई, वो थोड़ा सा अटैक वाली जो पोजीशन होती है उसके लिए यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो सरफेस एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कभी भी यहाँ पर फाइटर जेट को रिप्लेस नहीं करेगा, ये बात इन्होंने यहाँ पर बोली है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अभी यहाँ पर क्या है कि 4 स्क्वाड्रन जो है लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट के LCA Mk1 और 6 स्क्वाड्रन जो है एडवांस मीडियम कॉम्बेट एयरक्राफ्ट के और 6 मीडियम रोल फाइटर जो एयरक्राफ्ट हैं वो सब चीजें यहाँ पर क्या है कि वो आपको इंडक्ट होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप ये भी कह सकते हैं कि कई सारे पुराने जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं वो फेस आउट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसी की वजह से आप ये कह सकते हैं कि अगले 10 साल में केवल 35 स्क्वाड्रन जो है वो हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनसे पूछा गया कि भाई जो S-400 का रेजिमेंट यहाँ पर होगा वो कब यहाँ पर जो है वो इंडक्ट होता हुआ दिखाई देगा, तो इन्होंने यहां पर इस बात के लिए आंसर दिया है कि पहला जो S-400 का रेजिमेंट होगा वो इसी साल जो है वो यहां पर इंडक्ट होता हुआ दिखाई देगा। एंड ऑन फोर्स मॉडर्नाइजेशन इन्होंने यहां पर ये बताया है कि जो लास्ट 4 MiG-21 स्क्वाड्रन्स हैं वो इनको यहां पर आप ये कह सकते हैं कि अगले 4 साल में जो है वो यहां पर आपको फेस आउट होते हुए दिखाई देंगे। मतलब क्योंकि MiG-21 ने आप देखा होगा कि कई सारे क्रैश वगैरह वाले जो इंसिडेंट यहाँ पर होते हैं वो आपको रेगुलर इंटरवल पर देखने को मिलते हैं, इसको फ्लाइंग कॉफिन्स भी कहते हैं, है ना। MiG-21 को बाइसन भी कहा जाता है, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो लास्ट 4 हमारे पास MiG-21 के स्क्वाड्रन यहाँ पर बचे हैं उनको अगले 4 सालों में हम यहाँ पर फेस आउट कर देंगे, ठीक है, और उनकी जगह दूसरे जो यहाँ पर हमारे प्लेन्स वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम की बात करी गई है, AMCA प्रोग्राम के बारे में, है ना। AMCA प्रोग्राम क्या होता है, ये है एडवांस मीडियम कॉम्बेट एयरक्राफ्ट, ठीक है, एडवांस मीडियम कॉम्बेट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जो कि इंडियन प्रोग्राम है, और इसमें हमने यहां पर ये कोशिश करी है कि 5th से लेकर 6th जनरेशन के जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए वो यहां पर बनाए जाएंगे। और यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो भी एयरक्राफ्ट की डिजाइन वगैरह होंगे ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि DRDO के अंतर्गत आपको काम करती हुई दिखाई देगी, और इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वगैरह हो गए, उन सब चीजों को यहां पर यूज करके कोलैबोरेशन करके जो है ये एडवांस मीडियम कॉम्बेट एयरक्राफ्ट जो है वो नेवी के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए यहां पर बनाए जाएंगे। तो इनका यहां पर कहना ये है कि AMCA जो प्रोग्राम है उसके लिए हम बहुत कमिटेड हैं, और आप ये कह सकते हैं कि DRDO को जो है वो हमने टाइमलाइन वगैरह जो है वो यहां पर सेंड कर दी है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि इसमें ये भी बोला गया है कि AMCA जो प्रोग्राम होगा ये इस दशक के, मतलब ये जो आगे के 10 साल यहां पर आने वाले हैं उससे पहले आपको ये रोल आउट होता हुआ दिखाई देगा। और इन्होंने यहां पर ये भी बोला है कि हम लोग यहां पर आशा करते हैं कि हम लोग AMCA जो एडवांस यहां पर आपके मीडियम कॉम्बेट एयरक्राफ्ट हैं उसको आप ये कह सकते हैं द अर्ली ईयर्स ऑफ नेक्स्ट डिकेड जो है उसमें हम यहां पर उनको इंडक्ट करना भी स्टार्ट कर देंगे, मतलब वो इंडियन एयरफोर्स में जो है वो प्लेन्स आपको इंडक्ट होते हुए यहां पर दिखाई देंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहां पर ये बताया कि एयर चीफ मार्शल जो है वो यहां पर 4-स्टार रैंक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो कॉलर टैप यहां पर लगा हुआ है इसमें ये 4 स्टार बने हुए हैं, ठीक है, थीके? तो इसलिए इनको यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि ये 4-स्टार रैंक आपको यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो है मिलिट्री कॉपरेशन के बारे में बात करी गई इनसे, है ना, कि चाइना और पाकिस्तान के मिलिट्री कॉपरेशन के बारे में आप यहां पर क्या कहना चाहते हैं, तो यहां पर इनका कहना यह है कि ही रिमार्क दैट देयर ओनली कंसर्न वॉज डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न टैक्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी विच पासिस हैंड फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, डिटेल्स वगैरह होती है, और जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना का रवैया आज के टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान की अलग अलग टैक्टिक्स में, टेक्नोलॉजी वगैरह में यहाँ पर प्रयोग कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, तो हम लोग जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर हैं कि अगर कभी भी मान लीजिए कि 2 फ्रंट यहाँ पर कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी यहाँ पर होती है तो उसके लिए हम पूरी तरीके से यहाँ पर आपको प्रिपेयर देखने को मिलेंगे। इनसे एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा गया इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में, तो इंटीग्रेटेड जो थिएटर कमांड है इसमें इन्होंने यहाँ पर यह बताया है कि जो भी थिएटराइजेशन यहाँ पर होगा उसको यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि वो काम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भाई आगे के जो फ्यूचर वॉरफेयर वगैरह होते हैं, है ना, किस तरीके से होंगे, उनका यहाँ पर स्कोप क्या होगा, उन सब चीजों को भी हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसको यहाँ पर यह बोला गया कि सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी है अगर इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स को हम अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहां पर ये बोला गया कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ एंड स्ट्रेंथ ऑफ ईच सर्विस नीड टू बी केप्ट इन माइंड, क्योंकि यहां पर क्या है कि जो भी फोर्सेस हैं जिनको आप यहां पर इंटीग्रेट कर रहे हो, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनका काम करने का डॉक्ट्रिन क्या है, इन सब चीजों को यहां पर ध्यान में रखना जरूरी है। तो थिएटर कमांड को लेकर भी इनका जो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है, वो काफी पॉजिटिव यहां पर स्टेटमेंट है, और ये चाहते हैं कि उस चीज को यहां पर आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ कॉशंस हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अभी यहां पर एक एनुअल कॉन्फ्रेंस यहां पर हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में जो है हमारे जो 47 चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, जिनका नाम है एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी जी, इन्होंने यहां पर ये कुछ बातें जो है वो आपको बताई हैं। और अगर आप ईएफएसबी वगैरह में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, है ना, या आपसे कहीं पर लेटेस्ट जो भी चीजें यहां पर पूछी जाएं, तो इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी जो है वो यहां पर होनी चाहिए। अब यहां पर इन्होंने दो चीजों के बारे में बात करी है, एक तो S-400 जो यहां पर मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में बात करी है, और दूसरी बात जो इन्होंने करी है वो इंटीग्रेटेड जो यहां पर हमारी थिएटर कमांड है उनके बारे में डिस्कशन किया है। तो अब इन दोनों चीजों को हम समझ लेते हैं कि ये आखिर चीजें होती क्या हैं। तो अगर हम S-400 ट्रियम्फ मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो अक्टूबर 2018 में भारत ने यहां पर 5.43 बिलियन US डॉलर की जो है वो डील करी थी, कौन सी कंट्री के साथ, रशिया के साथ, कि भाई हमको S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो यहां पर आपको प्रोवाइड करना है। कई बार यूएस ने बोला था कि भाई हमारा एक एक्ट है जिसको बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि रिसेंटली जो है वो काट्सा न्यूज में था, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो उसका आंसर जो है वो यूएसए था। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि इसमें अगर ये बोला गया कि भाई अगर आप रशिया से कोई भी डिफेंस वाली चीजें खरीदते हो या कोई भी रिलेशन यहां पर रखते हो, साथ ही साथ अगर आप ईरान से कुछ यहां पर चीजें करते हैं या आप नॉर्थ कोरिया से करते हैं, तो आपके ऊपर जो है वो सैंक्शंस यहां पर लगाए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पीरियड पर ये चीजें जो है वो निकल कर सामने आई थी, तो कई बार यहां पर भय बना हुआ था कि भाई भारत जो है वो यूएसए के काट्सा एक्ट के उपरांत जो है वो यहां पर S-400 को जो है वो साइन करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इंडिया ने जो है इसको यहां पर साइन कर लिया। अब S-400 जो है ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है डिजाइन बाय रशिया, मतलब ये मोबाइल है। अगर हम इसको एक बार एक फोटो में देखना चाहेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पर आपको मूव करता हुआ यहां पर दिखाई देगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे क्या होता है कि एक सर्विलेंस रडार आपको देखने को मिलेगी, अगर मान लीजिए कि कोई भी यहां पर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो देखने को मिलती है, जो इसके रडार में यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये है ना, तो ये आपका कमांड व्हीकल यहां पर हो गया है, ये कमांड यहां पर प्रोवाइड करेगा, इंगेजमेंट रडार यहां पर होगी, है ना, और उसके साथ ही साथ फिर यहां पर ये लॉन्च व्हीकल होगा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये बैटरी है, मिसाइल बैटरी, इससे यहां पर क्या होगा कि ये मिसाइल लॉन्च होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट यहां पर आपको देखने को मिल रही है इसको क्या करेगा, हवा में ही जो है वो यहां पर नष्ट कर देगा, जिससे हमारी सिक्योरिटी जो है वो आपको मेंटेन होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि मोबाइल है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर हम ले जा सकते हैं। इट इज द मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल, या फिर आप सर्फेस टू एयर जो डिफेंस सिस्टम है वो यहां पर कह सकते हैं इन द वर्ल्ड, मतलब आज के टाइम पीरियड पर सबसे ज्यादा जो यहां पर डेंजरस जो डिफेंस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, वो कौन सा है, वो आपको यहां पर S-400 देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि जो यहां पर यूएस का एक यहां पर सिस्टम है डिफेंस सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं थार्ट, आपने सुना होगा साउथ कोरिया में जो है वो यहां पर इन्होंने अपना थार्ट जो है वो यहां पर डिप्लॉय किया है, तो थार्ड यूएसए का है, पहली बात तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी जरूरी है। फिर उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि द सिस्टम कैन एंगेज ऑल टाइप ऑफ एरियल टारगेट, जिसमें एयरक्राफ्ट हो गए, अनमैन्ड एयर व्हीकल हो गए, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल वगैरह हो गई, तो उन सबको यहां पर ये टैकल कर सकता है, और इसकी जो रेंज है वो यहां पर 400 किलोमीटर है, इसलिए इसका नाम जो है वो S-400 है। इससे पहले आपको S-300 भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी रेंज कितनी है, वो 300 किलोमीटर है, और एल्टीट्यूड की बात हो रही है तो 30 किलोमीटर हाइट तक जो है वो यहां पर आपको इफेक्टिव तरीके से काम करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद यहां पर ये जो सिस्टम है वो 100 एयरबोन जो टारगेट्स हैं उनको यहां पर ट्रैक कर सकता है, और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि एक बार में 6 टारगेट के साथ यहां पर ये इंगेज कर सकता है, ये इसकी कैपेबिलिटी जो है वो आपको यहां पर बताई गई है। ठीक है, अगर हम S-400 के बारे में बात करेंगे और इसका क्या सिग्निफिकेंस है प्यारे भारत के लिए, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर S-400 है ये यहाँ पर चाइना भी बाई कर रहा है ना, और चाइना ने जो है वो आप ये कह सकते हैं कि 2015 में इसको ऑर्डर यहाँ पर कर दिया था कि हम लोग जो है वो 6 बटालियन जो है वो सिस्टम की, है ना, S-400 सिस्टम की वो यहाँ पर बाई करना चाहते हैं, और 2018 से जो है वो इन्होंने यहाँ पर बाई करना स्टार्ट कर दिया है। अगर हम यहाँ पर चाइना के एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे S-400 सिस्टम के बारे में,
तो इसको यहाँ पर एक गेम चेंजर जो है वो इस रीजन में कहा जा रहा है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है अगेंस्ट इंडिया वो आपको लिमिटेड यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो एक्विजिशन है वो काफी यहाँ पर क्रूशियल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टू फ्रंट वॉर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो F-35 US फाइटर एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान वगैरह के पास आपको देखने को मिलेगा इन फ्यूचर, तो वहां पर क्या है कि उसको भी यहाँ पर टैकल करने के लिए S-400 सिस्टम जो है वो काफी उपयोगी यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, रशिया को आप देख सकते हैं, रशिया यहाँ पर है, ये आपको कजाकिस्तान देखने को मिलेगा, ये रशिया की कैपिटल यहाँ पर मॉस्को देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको यूएसए का रीजन अलास्का देखने को मिलता है, ये फिनलैंड हो गया, ये आर्कटिक ओशन आपको देखने को मिल रहा है। और रशिया जो है इसको एक यूरेशियन कंट्री कहते हैं, क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है वो एशिया में है और कुछ पार्ट आपको यूरोप में भी यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है S-400 मिसाइल सिस्टम। ठीक है, अब दूसरी बात अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसमें यहां पर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में बात हो रही है। तो ये जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होती है वो यहां पर क्या है, तो अगर हम बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो होता है ये एक यूनिफाइड कमांड होती है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि तीनों सर्विस जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो तीनों लोग आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और इनका जो कमांडर यहां पर होगा वो कौन होगा, वो एक सिंगल कमांडर आपको देखने को मिलेगा, है ना, फॉर ज्योग्राफिकल थिएटर एरिया दैट आर स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उन सभी एरियाज में आपको थिएटर कमांड देखने को मिलेगी जो पर्टिकुलर प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक है, और सिक्योरिटी कंसर्न भी हमारे वहां पर उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि भाई एक जगह बना दी जाएगी, वहां पर आर्मी के लोग भी होंगे, नेवी के लोग भी होंगे, एयरफोर्स के लोग भी होंगे, सब लोगों की टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो वहां पर रहेगी, सब लोगों की कैपेबिलिटीज वहां पर एक साथ रहेगी, और जिस तरीके की रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी उस तरीके से यहाँ पर फिर वो पर्टिकुलर कमांड जो है वो काम करेगी। बेसिकली यहाँ पर तीन फोर्सेस का जो है वो इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि हम अपनी जो एफिशिएंसी है उसको थोड़ा और इनहेंस यहाँ पर कर सकें। द कमांडर ऑफ सच अ फोर्स विल बी एबल टू बियर ऑल रिसोर्सेस एट हिज डिस्पोजल फ्रॉम द आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड द नेवी विद सीमलेस एफिशिएंसी। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसमें अलग वगैरह से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी कि भाई अगर आप आर्मी की कोई चीज का यहाँ पर यूज करोगे तो आर्मी वालों से परमिशन लेना, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो भी कमांडर होगा वो अपने यहाँ पर अब एफिशिएंसी से अपने जो भी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेस हैं उनको यहाँ पर यूज करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर एबल होगा। द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड विल नॉट बी आंसरेबल टू इंडिविजुअल सर्विसेज। कि आपने कोई डिसीजन यहाँ पर लिया है तो आपको इंडिविजुअल सर्विसेज को यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा, आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इंटीग्रेशन एंड ज्वाइंटनेस ऑफ द थ्री फोर्सेज विल बी अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर इंटीग्रेटेड कमांड बना ली और अगर मान लीजिए कि कोई अनमैंड एयर व्हीकल जो है वो आर्मी के पास है तो एयरफोर्स को और नेवी को यहाँ पर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस पर्टिकुलर रीजन के लिए। क्यों? क्योंकि उस आर्मी वाले का आप जब भी आपको उपयोग पड़े आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जो डुप्लीकेशन वगैरह होगा रिसोर्सेस का वो यहाँ पर थोड़ा सा मिनिमाइज यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि रिसोर्सेज अवेलेबल अंडर ईच सर्विस विल बी अवेलेबल टू अदर सर्विसेज टू। मतलब इंटीग्रेटेड कमांड में जो भी रिसोर्सेस एक सर्विस के पास हैं उसको बाकी की जो दोनों सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पर यूज कर सकती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में बनेगा वो ये बनेगा कि शेकाटकर कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो यहाँ पर डिफेंस रिफॉर्म से रिलेटेड है। 2015 में इन्होंने यहाँ पर रिकमेंड किया था कि हमको तीन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो है वो यहाँ पर बनाना है। पहली जो कमांड होगी वो चाइना बॉर्डर पर होगी नॉर्दर्न एरिया में, दूसरी जो कमांड होगी वो पाकिस्तान बॉर्डर पर वेस्टर्न एरिया में देखने को मिलेगी, और तीसरी कमांड जो है वो मैरीटाइम रूल के लिए आपको सदर्न एरिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का जो कॉन्सेप्ट है ये शेकाटकर कमेटी की जो यहाँ पर रिपोर्ट है 2015 में उन्होंने इस बात के लिए रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ पर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि कई सारे लोगों के मन में ये आ गया कि भाई ये अभी तक क्या है कि तीनों फोर्सेस यहाँ पर जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम कर रही थी, तो काम तो अच्छे से ही हो रहे थे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पर करना क्यों जरूरी है ना। इसके बारे में भी हमको जो चीजें हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई वो सारी चीजें जो इसके फेवर में है और वो सारी चीजें जो इसके अगेंस्ट में है, ताकि आपको एक बैलेंस अप्रोच जो है वो यहाँ पर पता चल जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इंटीग्रेशन यहाँ पर हो रहा है तीनों सर्विसेज का, इसके फेवर में कौन कौन सी बातें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर बताई जा रही है कि द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांडर विल नॉट बी आंसरेबल टू इंडिविजुअल सर्विसेज, है ना। इंटीग्रेटेड जो यहाँ पर थिएटर कमांडर होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल सर्विस को यहाँ पर आंसरेबल नहीं होंगे, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं एंड विल बी फ्री टू ट्रेन, इक्विप एंड एक्सरसाइज हिज कमांड टू मेक इट कोहेसिव फाइटिंग फोर्स कैपेबल ऑफ अचीविंग डेजिग्नेटेड गोल्स। तो वहां पर जो लोग भी आपको इनरोल होते हुए दिखाई देंगे आप ये कह सकते हैं कि उनको अपने हिसाब से ट्रेन किया जा सकता है, इक्विप किया जा सकता है,
और जो भी यहाँ पर एक्सरसाइज होगी उस पर्टिकुलर कमांड की, वो अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं, ताकि जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज हैं उस पर्टिकुलर थिएटर कमांड की, उसको यहाँ पर इनहेंस किया जाए, है ना। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लॉजिस्टिक रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट इट्स ऑपरेशनल विल ऑल्सो बी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द थिएटर कमांडर सो दैट इट डज नॉट हैव अ लुक फॉर एनीथिंग व्हेन ऑपरेशंस आर गोइंग। मतलब सारी की सारी चीजें जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी, तो जब काम यहाँ पर होगा तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि भाई हमें परमिशन वगैरह यहाँ पर लेनी पड़ रही है तब हम उस चीज का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप उन सब चीजों का यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप उनका प्रयोग करिए तो आपका टाइम जो है वो यहाँ पर बचेगा। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द मॉडल ऑफ सर्विस स्पेसिफिक कमांड विच इंडिया करेंटली हैज। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पर आर्मी की अलग कमांड है, एयरफोर्स की अलग कमांड है, नेवी की अलग कमांड है, और उसके फिर यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वो लोग अपना अलग अलग तरीके से जो सर्विसेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कभी अगर मान लीजिए कि वॉर वगैरह की सिचुएशन यहाँ पर होती है, तो सर्विस चीफ यहाँ पर क्या होते हैं कि उनको अपनी जो यहाँ पर सर्विस है, जैसे कोई आर्मी चीफ है तो आर्मी की सर्विसेज को यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, इंडिविजुअल कमांड को जो है वो यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, और लेकिन उनको यहाँ पर क्या है कि ज्वाइंटली जो है वो नेवी और एयरफोर्स के साथ काम करना पड़ेगा, है ना। मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर क्या है कि अगर कोई सिचुएशन यहाँ पर बनती है तो आर्मी वाले लोग आर्मी को कंट्रोल करेंगे, एयरफोर्स वाले लोग एयरफोर्स को कंट्रोल करेंगे, नेवी वाले जो लोग हैं वो नेवी को कंट्रोल करेंगे, लेकिन उनको ज्वाइंटली यहाँ पर जो है वो काम करना होता है। मतलब सबके वेलफेयर के लिए यहाँ पर सोचना पड़ेगा, ताकि जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको हम सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। तो अभी तक यहाँ पर क्या हो रहा था कि आप अलग अलग कर रहे थे, अब इंटीग्रेटेड कमांड में क्या होगा कि सब लोग साथ में रहेंगे, तो उसके अनुसार जो चीजें होंगी वो यहाँ पर इंप्लीमेंट आसानी से यहाँ पर करी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो फेवर में इंटीग्रेशन की बात करती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इसके अगेंस्ट में बात करती हैं। तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट ये देखना है कि अभी तक ऐसा कोई ओकेशन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला, चाहे वो वॉरफेयर हो चाहे कभी भी हुआ यहाँ पर हो, जब यहाँ पर ये देखने को मिला कि तीन सर्विसेज जो हैं उन्होंने यहाँ पर सही तरीके से ऑपरेट नहीं किया, या फिर उनके बीच में कमेंडेबल कॉपरेशन देखने को नहीं मिला। अभी तक अगर आप देखेंगे तो हमारी तीनों फोर्सेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन्होंने काफी सही तरीके से यहाँ पर काम किया है। तो जब यहाँ पर इन्होंने सही तरीके से काम किया है तो यहाँ पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके के इंटीग्रेशन की अब यहाँ पर क्या आवश्यकता है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, लैंड वॉर एंड मीडियम टू हाई इंटेंसिटी वॉर आर एट अ डिस्टेंस पॉसिबिलिटी। मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो वॉर वगैरह वाली सिचुएशन को क्रिएट होना बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। तो ऐसे टाइम पीरियड पर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की क्या आवश्यकता है। विद इन इंक्रीज कम्युनिकेशन नेटवर्क, आज के टाइम पीरियड पर जितना कम्युनिकेशन नेटवर्क यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है, जो भी इंटरेक्शन वगैरह होता है तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में वो काफी ईजी हो चुका है। वो साथ में यहाँ पर बैठ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कोई स्पेटियल डिस्टेंसेज वगैरह की यहाँ पर आवश्यकता होगी नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए कोई एक नए ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्यों है, जब यहाँ पर तीनों लोग बहुत आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डोमेन नॉलेज ऑफ द इंटीग्रेटेड फोर्स कमांडर। मान लीजिए कि कोई इंटीग्रेटेड कमांडर है, उसका फोर्स कमांडर जो है वो आर्मी से है, तो उनके पास क्या होगा कि उनके पास जो नॉलेज यहाँ पर होगी, जो दोनों अलग सर्विस कॉम्पोनेंट है एयरफोर्स का और नेवी का, वो लिमिटेड यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनको इतनी अच्छी तरीके से रिसोर्सेज के बारे में जो जानकारी होगी दूसरी कमांड की, वो उतना ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं होगी, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। Thereby limiting his ability to employ them in the most suitable manner and the appropriate time. तो यहाँ पर क्या है कि किसको आप यहाँ पर कमांडर बनाओगे, किस तरीके से कमांडर बनाओगे, तो ये सब चीजें जो हैं ये भी थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि भाई उनकी एफिशिएंसी जो है वो सही तरीके से यहाँ पर वो निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, है ना। तो एक ये भी बात जो है ये इसके अगेंस्ट में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं फेवर वाली, और ये कुछ चीजें हैं जो आपको इसके अगेंस्ट में देखने को मिलेगी। तो इन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पर समझकर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब अगर हम आज के टाइम पीरियड पर बात करेंगे तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है वो करीब आपको 17 कमांड्स जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें 7 कमांड जो है वो आर्मी की है, 7 कमांड एयरफोर्स की है, और 3 कमांड आपको नेवी की यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कमांड होती है वो 3-स्टार जो रैंक मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर जो नेवी में अगर आप देखेंगे तो वॉइस एडमिरल यहाँ पर हो गए, एयरफोर्स में देखेंगे एयर मार्शल हो गए, तो वो कमांड को यहाँ पर जो है वो हेड करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम बात करेंगे तो एक ज्वाइंट कमांड भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है, है ना। तो ये पहली ट्राई सर्विस यहाँ पर हमारी थिएटर कमांड है जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की है, जो कि आपको पोर्ट ब्लेयर में देखने को मिलेगी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है, जहां पर आपको आर्मी भी देखने को मिलेगा, नेवी भी देखने को मिलेगा और एयरफोर्स भी देखने को मिलेगा। अगर हम अदर ट्राई सर्विस कमांड के बारे में बात करेंगे तो एक कमांड आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड,
है ना। और ये क्या करता है कि ये डिलीवरी और जो भी ऑपरेशनल कंट्रोल होता है कंट्री के न्यूक्लियर एसेट का, वहां पर भी आपको स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है वो तीनों लोग यहां पर साथ में मिलकर आपको देखने को मिलेंगे। अभी लेटेस्ट में अगर हम बात करेंगे तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको हम CDS यहां पर कहते हैं, एंड द क्रिएशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स आर द मोमेंटियस जो यहां पर स्टेप है इन द इंटीग्रेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। मतलब कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसको एडवांस करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट है वो भी यहां पर बनाई गई है, और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है वो भी यहां पर क्रिएट किया गया है ना। अब इन दोनों के बारे में अगर हम देखेंगे तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर है टू द गवर्नमेंट एज सजेस्टेड बाई द कारगिल रिव्यू कमिटी इन 1999। तो याद रखिएगा CDS की जो पोस्ट है अभी के टाइम पीरियड पर जनरल बिपिन रावत जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। नहीं तो पहले क्या होता था कि तीनों सर्विसेज को अलग अलग तरीके से बात करनी होती थी। अब क्या है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो गवर्नमेंट को यहाँ पर एडवाइस देंगे, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट है ये कारगिल रिव्यू कमेटी 1999 की जो है उसकी रिकमेंडेशन पर निकलकर सामने आई है। अभी हमने एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है वो भी यहाँ पर बनाया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो मिलिट्री मेटल के जो भी मैटर यहाँ पर होते हैं उसके साथ यहाँ पर आपको डील करते हुए दिखाई देंगे। पहले यहाँ पर क्या होता था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है उसके अंतर्गत आपको ये चीजें देखने को मिलती थी, लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेगा कि जो भी यहां पर मिलिट्री से रिलेटेड मैटर्स वगैरह हैं उसको यहां पर डील करता हुआ दिखाई देगा। तो याद रखिएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो हैं वो अभी लेटेस्ट यहां पर कुछ डिसीजंस हैं जिनको यहां पर फाइनल किया गया है, और जिसके बेसिस पे यहां पर क्या होगा कि भारत में आगे के टाइम पीरियड पर किस तरीके से हमारी मिलिट्री स्ट्रेटेजी यहां पर होनी चाहिए वो सब चीजें आपको फाइनल होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। इसमें यहाँ पर क्या है कि मैंने काफी सारी चीजें आपको कवर करा दी, जैसे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, S-400 सिस्टम भी जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके कवर हो गए, और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और SSB इंटरव्यू के ग्रुप डिस्कशन वगैरह में भी आप अच्छी तरीके से इनको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बाकी हमारा नया बैच जो है वो यहाँ पर स्टार्ट चुका है SSB इंटरव्यू का, पुरानी क्लासेस जो हो चुकी हैं उनके रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं। 1 अक्टूबर से ये बैच यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के ऊपर अभी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी SSB की क्लासेस यहाँ पर अटेंड करना चाहता है, SSB के कोर्स में इनरोल करना चाहता है, तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डेमो क्लास भी मिल जाएगी, तो डेमो क्लास देखकर आप समझ सकते हैं कि भाई किस तरीके की पढ़ाई यहाँ पर होगी और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। बाकी इस कोर्स की और डिटेल अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक भी आप देखेंगे तो आपको अभी वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा, है ना, लास्ट में स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखकर भी अपनी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था गाइज आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके साथ आज डिस्कस करी हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।